अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमानुल्लाह। अपने लास्ट वीडियो में मैंने जो है के आई पी लेवल 5 की जो है चैप्टर 1 की बारे में वीडियो बनाई थी, जो बहुत से दोस्तों को पसंद आई। उम्मीद रखता हूँ कि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो है उसको और अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग इजीली जो है इस कोर्स को कवर कर सकें। मैं आगाज़ करता हूँ अपने सेकेंड वीडियो का विद चैप्टर 2 ऑफ लेवल 5 बुक। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है हंगुके खाजोक कोरियन फैमिली। इस बुक कि अगर आप फर्स्ट पेज पे देखें तो मुख्तलिफ पिक्चर्स बनी हुई हैं जो इनकी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कि कैसी किस टाइप की फैमिलीज जो है ये पसंद करते हैं या किस टाइप की लाइफ ये गुजार रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका जो इसमें जो पैराग्राफ्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसका इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हनक्यू खाजोखन ओथोन चिंगल थीको इसलका। इसका मतलब है जो कोरियन फैमिलीज हैं उनकी खसूसियात क्या हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले ये कि जो कोरियन लोग जो शादी करते हैं नॉर्मली जब ये 30s के हो जाते हैं, 30s मीन के 30 से प्लस हो जाते हैं जो शादी करते हैं, उनकी वजह ये होती है कि इनके जो मेल्स हैं वो जो है 2 years जो 2 साल है वो आर्मी में गुजारते हैं। उसके बाद ये आते हैं तो ये सोशली स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, अपनी तालीम पूरी करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, फिर अर्निंग करते हैं और अपनी अर्निंग पे ही ये शादी करते हैं। तो उसमें जो है इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह फीमेल भी जो है वो भी अर्निंग करती हैं, आप शादी के लिए इकट्ठे पैसे जमा करती हैं, तो इन नॉर्मली जो इनकी एज जो है वो 30+ होती है। सेकेंड, जब ये शादी करते हैं तो नॉर्मली इनके बच्चों की रेशियो जो है वो 1 से 2 है। पूरे वर्ल्ड में इनकी जो बेबीज बर्थ रेट है वो सबसे कम है, वो 0.9 समथिंग आया हुआ है, जो अलार्मिंग साइन है इनके लिए। और एक लफ्ज यूज़ होता है कोरियोंग हुआ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, कि जिसमें जो है बहुत ज़्यादा इनकी जो जनरेशन है वो ज़्यादातर 50+ जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो उसको ये कोरियन हुआ कहते हैं। वो बाद में आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस चैप्टर में जो मैं आपको बताऊँगा वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फैमिलीज के बारे में हैं, जो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं, जो आपके लिए भी जो है करामत साबित हो सकती है। अगर आप कोरिया में रह रहे तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये शादी करते हैं, तो जब इनके बच्चे होते हैं वो तब तक इनके साथ रहते हैं जब तक उनकी शादियां नहीं होती। जब से वो शादियां कर लेते हैं तो वो फैमिली से अलग हो जाती हैं, तो ये मेन चीज़ है। दूसरा, इनका जो पास्ट जनरेशन था वो भी हमारे पाकिस्तान की तरह मतलब कि 4 से 5 बच्चे जो है पैदा करते थे, लेकिन अभी जो है वो चेंज हो गया, काफ़ी चेंज हो गया। और इस पेज पे आपको जो है 3 मेन चीज़ें याद रखनी है, जो 3 नाम है। एक जो है वो है थेखा जोक, बिग फैमिली कहते हैं इसको। दूसरा जो है हेक का जुक, जिसमें पेरेंट्स और जो जिन बच्चों की शादी नहीं होती जो साथ रहती हैं उस फैमिली को हेक का जुक कहते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। थर्ड जो है वो है इरेन खागू, वन मैन फैमिली, तो वो भी जो है ऐसे ऐसे ज़्यादा होती जा रही है। तो इनका जो पास था वो उसमें जो जनरेशन थी या जिसमें जो फैमिली टाइप थे वो थे का जुक, जिसमें जो पुमो ग्रैंड पेरेंट्स, पुमो पेरेंट्स और छानियों बच्चे जो है इकट्ठे रहते थे। अभी भी गांव में ऐसे घर हैं जिसमें ये फैमिलीज जो हैं एक ही घर में जो है ये सारे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन अभी जो है शहरों में जो है ऐसी फैमिलीज आपको बहुत कम मिलेंगी, बहुत रेयर फैमिलीज होंगी जो आपको मिलेंगी। दूसरा है का जो कंसेप्ट ज़्यादा है थोड़ा सा, कि फैमिलीज हैं मतलब पेरेंट्स हैं और इनके बच्चे जो साथ रह रहे हैं, वैसी फैमिली ज़्यादा, लेकिन शादी के बाद वो सेपरेट हो जाती हैं। थर्ड जो है वो जब ये शादियाँ नहीं कर सकते तो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है शादी नहीं कर रहे, शादी का जो रेट है वो भी कम हो रहा है, रेशो जो है, तो जिसकी वजह से जो है इरेन खाकू जो वन मैन फैमिली जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब अकेले रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो उसके बहुत सारे वजूहत हैं, जो है इकोनॉमिकली इशू है कि वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो है इरेन खाकू जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पेज पर आपको 3 मेन चीज़ें जो है याद रखनी है, एक थेकाजुक, हेकाजुक और इरेन खाकू। बहुत पहले था थेकाजुक, उसके बाद ये थेकाजुक में चेंज हो गया, और ये जो जितने भी जिस तरह इंडस्ट्रीज इनकी बढ़ती जा रही हैं, तरक्की कर रहे हैं, ये इरेन खागू जो है वन मैन फैमिली की तरफ ये आ रहे हैं, वन मैन और वन फीमेल फैमिली की तरफ ये आ रहे हैं, तो वो अलार्मिंग साइन है इनके लिए। दूसरा, इस पेज पे आपको जो याद रखना है वो ये है कि झंगनाम, झंगनाम है बड़े बेटे को कहते हैं और झंगियों बड़ी बेटी को कहती हैं। तो नॉर्मली जब ये पिछले ज़माने में जब ये कुछ साल पहले जब ये जब थे का जो पूरी फैमिली रहते थे, तो इनका जो बड़ा बेटा है छंगना वो अपने पेरेंट्स को जो है
उनको अपने पास रखता था, ज़रूरी नहीं कि वही रखता था, उसके अलावा जो है साहिब दौलत होती थी कोई दूसरी औलाद, तो वो अपने पेरेंट्स को साथ रख सकती थी। तो वो जो है अभी बहुत कम होता जा रहा है उसका रुझान। इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस पेज में, अगर आपके पास हो तो उम्मीद है कि आप जो है इसको क्लियर कर सकेंगे इस पेज को। जो इसका नेक्स्ट पेज है उसका जो टाइटल है वो है हनगुके खाजुक्वा छिंचोकन सोरल ओतुके फुरुल का, मतलब जो कोरियन फैमिलीज हैं और अपने रिश्तेदार जो हैं एक दूसरे को कैसे पुकारते हैं, तो इसके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक ये कि जो सास ससुर होता है लड़की के लिए सास ससुर के लिए अलग टाइटल होता है, लड़की के लिए सास ससुर का अलग टाइटल होता है। जब लड़का अपने सास ससुर को बुलाते तो कैसे बुलाते, मतलब अगर लड़का अपने ससुर को बुलाते तो उसको बोलेगा छांगेन ओरन, और अगर अपनी सास को बुलाएगा उसको बोलेगा झांगमोने, झांगमोने बोलते हैं। इस तरह अगर लड़की अपनी सास को बुलाएगी तो उसको बोलेगी ओमोनेम, और अगर ससुर को बुलाएगी तो उसको बोलेगी आबोनेम। तो ये जो है नाम है। दूसरा, जब लड़की शादी करके जाती है तो उसको कहती है शिचिपकादा, शिचिपकादा मतलब अपने नए घर में जाना, और जब लड़का जाता है तो उसको कहते हैं छांगा गादा। ये टोल टर्मिनोलॉजी होती है, लड़के के लिए होता है छांगा खादा, वो लड़की के लिए शिचिपकादा, इस तरह यूज़ होता है। उसके बाद जो सास होती है वो अपनी बहू को जो है वो सयागा कहती है, सयागा जब उसकी औलाद हो जाती है तो उसको वो औलाद के नाम से पुकारती है, डैश डैश की वालदा इस तरह बुलाती है, और बच्चे को अपने बेटे को जो है डैश डैश एबिया उसके बाप इस तरह बुलाती है। और जो सास है वो अपने दामाद को सावी बोलती है, सावी उसका टाइटल है, जब उसको बुलाती है तो उसके नाम नाम के आगे जो है उसके बाद सोबांगनिम बोलती है, इस तरह डैश डैश सोबांगनिम इस तरह बुलाती है। और उसके बाद जो है लड़की के लिए लड़की की फैमिलीज, और लड़की के लिए लड़की की फैमिलीज के जो नाम है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ये कि जो लड़की के लिए फैमिलीज हैं वो है, लड़की जब अपने शोहर को बुलाती है तो वो थंक्शन यो बुला सकती है। थंक्शन का वर्ड आप जो है जब ट्रांसलेट करते तो वो इंग्लिश में यू आता है, आप ये नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। ये जो कपल होते हैं ये आपस में यूज़ कर सकते हैं, या लड़ते वक्त ये थंक्शन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तू के कंसेप्ट में ये लिया जाता है। नॉर्मली जो है ये नाम लेते हैं या उसका टाइटल लेके बुलाते हैं, यू ये थंक्शन कभी यूज़ नहीं करते नॉर्मल लाइफ में। जब आप जो नए सीखे जो सीकर्स हैं, जो नए बिगिनर हैं, वो जब सीखते हैं तो वो थंक्शन जब ट्रांसलेट करते हैं वो आप नॉर्मल लाइफ में कभी यूज़ ना कीजिएगा, उसका यूजेज जो है वो दूसरी तरह है। तो इसका जो आप खास ख्याल रखें, जो शादी जिनकी हुई है जो कपल्स हैं तो वो अपने जो स्पाउस है उसको थंक्शन बोल सकती है या योबो बोल सकती है। उसके बाद जो वाइफ है वो अपने शोहर के बड़े भाई को आजू बोने बोलती है, आजू बोने, और उसके जो छोटे भाई को अगर उसकी शादी नहीं हो तो थोरियन नेम बोलते हैं, थोरियन नेम, और अगर उसकी शादी है तो थैंग थैंग सोबांग नेम इस तरह बोलती है। और अगर वो अपने हस्बैंड की बड़ी बहन को बुलाती है तो उसको बोलेगी ह्योंग नेम, ह्योंग नेम, और इसी तरह अगर वो अपने हस्बैंड की छोटी बहन को बुलाती है तो उसको बोलेगी आगाशी। तो ये जो है लड़की के लिए होते हैं। लड़के के लिए जो है लड़का जब अपनी वाइफ को बुलाता है तो वो नाम लेके बुला सकते हैं, योबो कह सकते हैं, थंक्शन कह सकते हैं, और इसी तरह अगर वो उसकी अपनी वाइफ की बड़ी बहन को बुलाता है तो उसको बोलेगा छोह्योंग, छोह्योंग बोलेगा। इसी तरह अगर वो अपनी वाइफ की छोटी बहन को बुलाता है तो वो उसको छोचे बोलेगा, छोचे। इसी तरह अगर वो अपनी वाइफ की बड़े भाई को बुलाती है तो उसको बोलेगी ह्योंग नेम, और बोलेगा, और सॉरी अगर वो अपनी वाइफ की बड़े भाई को बुलाएगा तो उसको बोलेगा ह्योंग नेम, और इसी तरह अगर वो अपनी वाइफ की छोटे भाई को बुलाएगा तो उसको बोलेगा छो नाम। ये जो है इनके नाम है, आपको याद रखने होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से सीखने, थोड़ा सा मेमोराइज करना डिफिकल्ट होता है, एक बार आप याद रख लें तो आप उसे इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। दूसरा, जब ये फैमिली रिलेशन को साबित करते हैं तो उसके लिए ये छन यूज़ करते हैं, छन का लफ्ज़, तो जिस तरह समछन होता है, समछन में जो छन यूज़ होते हैं वो रिलेशन को साबित करते हैं। जैसे कि इनके एल ई समसा से शुरू होता है, 1 2 3 6 गिनती से, जो मियाँ बीवी उनके दरमियान छन जीरो होता है, छन नहीं होता, और बच्चों और वालदैन के दरमियान इल छन होता है, और बहन भाइयों का आपस में इच्छन होता है,
इस तरह अब जो बाप की बहन भाई हो गए और माँ की बहन भाई हो गए, उनको वो समछन बोलते हैं। बाप की साइड पे जो होता है वो समछन होता है, और माँ की साइड पे जो होते हैं उसको वे समछन बोलते हैं, जो भाई होते हैं। तो मतलब मामू को वे समछन और चाचा को समछन, और इस कजन को ये साछन बोलते हैं। साछन चार छन होते हैं ना, चार छन रिलेशन, फर्स्ट पेरेंट्स हैं, सेकेंड आपस में, थर्ड जो है वो फैमिली के जो मामू मामू या चाचू समझो उनकी जो औलाद होती है वो साक्षण होती है। तो जो माँ की साइड पे होते हैं वो वे के लफ्ज यूज होते हैं, वे जो भी होता है उसके जो भी नाम होगा वो वे उसे आगे लेगा, वे समछन। और जो बाप की साइड पे होगा वो होगा समछन या साक्षण, वे साक्षण, इस तरह यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके अलावा जो है इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, और वर्ड जो है आपके लिए इतना जो अगर आप याद रख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा ये कि जब ये कोरियन लोग नॉर्मली अपनी फैमिली के बारे में यूज बात करते हैं तो ये नाएक हाजोक, मेरी फैमिली, इस तरह ही नहीं बोलते, ये बोलते हैं उरी खाजोक, हमारी फैमिली। तो ये हमारी को जो है बहुत प्रेफर करते हैं। खाजोक चुई कहते हैं इसको, मतलब फैमिली जो है, फैमिली पसंद है ये, फैमिली को जो है लाइक करते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर में ये है कि जो टाइटल्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, टाइटल्स की सिर्फ नाम आपको याद हो जाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नाम प्यो ने, नाम फिर कहते शोहर को, नाम प्यो ने, फूमो ने उसके वालदेन जो है उसको क्या बुला सकते हैं, तो वो है नाम फिर शोहर की लड़की बुलाएगी अबोनिम ओमोनिम। इसी तरह अगर वाइफ आने बोलते हैं आने फूमो ने, तो उनको बोलेगी छांगे नौरन ससुर के लिए और छांगमो ने सास के लिए। इसी तरह अगर वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की छोटी बहन को बुलाएगा तो उसको बोलेगा छोचे, और अगर उसकी बड़ी बहन को बुलाएगा उसको बोलेगा छोह्योंग। इसी तरह है, इस तरह आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिछले दौर में जो है कौन सा बेटा जो है वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता था, तो वो था छांगनाम, बड़ा बेटा। और बेटी के लिए यूज होते हैं झांगनियो, वो इस बुक में चैप्टर में नहीं है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जो है मैं आपको बता दूंगा, झांगनियो बोलते हैं। इस तरह जो है इस चैप्टर में आपसे यही पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी फैमिलीज थी, उसके अलावा कौन सी फैमिलीज का दौर है और अभी कौन सी फैमिलीज का दौर है। तो ये स्टेप वाइज है, फर्स्ट जो है वो थे काजुक बहुत ज़्यादा था, उसके बाद ऐसा ऐसा जैसे तरक्की करते गए तो है काजुक थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस तरह ये ऐसा ऐसा इरिन खागू की तरफ जा रहे हैं, वन मैन फैमिली या वन फीमेल फैमिली की तरफ ये जा रही हैं। तो ये जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि आजकल जो है जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं तो ये किस दौर की तरफ जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इरिन खागू की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि हस्बैंड जो है मियाँ बीवी के दरमियान में कौन सा छोन है, इलछन है, तो वो जवाब है गलत, क्योंकि इलछन जो है वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान होते हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि शिक्कू जो है, शिक्कू कहते हैं फैमिली को, तो फैमिली को ये कंसिडर करते हैं कि हंचपुंग, एक छत के नीचे जो है जो रहते हैं उसको ये फैमिली कहते हैं, शिक्कू के नाम से कहा जाता है। शिक्कू, शिक्कू जो खट्टे खाना खाते हैं उसको शिक्कू कहते हैं, तो शिक खाने को कहते हैं, कू जो है उधर रहते हैं, शिक्कू। तो इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड जो है आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि जो आपके कज़न है, जो मतलब आपके मामू के बेटे होंगे उसको या बेटी होगी उसको आप कैसे बुलाएंगे, तो उसका है साचन, या मामू की साइड पे है तो वो वे साचन हो गया। इसके अलावा जो है आजकल जो है सम सेदे, सम सेदे मैं बताया, सेदे कहते हैं जनरेशन को, इल सेदे, ई सेदे, सम सेदे, सम सेदे जो हो गया उसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, इसको सबको सम सेदे बोलते हैं। अगर सम सेदे इकट्ठे रहते हैं उसको थे का जो बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल जो है सम सेदे वाली फैमिली ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे इसका जवाब गलत है, ऐसा नहीं, मतलब सम सेदे जो है वो बहुत पहले था, अभी नहीं है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको इसको दोबारा जो है मैं आपको समराइज कर लेता हूँ इस चैप्टर में जो जो है। फर्स्ट इनके शादी के एजिस के बारे में, वो 30+ शादी करते हैं, बच्चे 1 से 2 तक, और इनका जो है बर्थ रेट बहुत कम है। उसके बाद जो है ये जब इनके बच्चे होते हैं शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो है पुराने दौर में 4 से 5 बच्चे जो है ये पैदा करते थे, 3 से 5
और अपने पेरेंट्स का जो है छांगनाम, जो इनका बड़ा बेटा है, वो ख्याल रखता था। कभी कभी जो है दूसरा बेटा भी जो है वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता था, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, साहिब औलाद हो गया, मतलब पेरेंट्स जिनके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, तो इस तरह इनका भी था। उसको सनसेट खजुक बोलते हैं कि जिसमें इनके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे जो इकट्ठे रहते हैं, तीन जनरेशन वाला, उसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। और पहले जो था इनका हेक्काजुक था, सॉरी थेकाजुक था, उसके बाद हेक्काजुक हो गया, उसके बाद है इरन खाबू। ये तीन जो है इस तरह ये चेंज हो रहा, पहले था थेकाजुक, फिर हेक्काजुक में कन्वर्ट हो गया, अभी जो है इरन खाबू की तरफ जा रहा है। इस तरह आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपके जैसे जो होचिंग है, जो टाइटल है, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं कि आप अपने, अगर आप लड़के हैं, अगर आप अपनी वाइफ को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि आने, तो उसको ये जो बुलाते हैं तो मोथंगशन योबो कह सकते हैं। उसकी जो आपकी सास है, आप उसको, अपनी सास को झंगमोने बोलेंगे। अगर आपकी ससुर है तो आप उसको झांगेन ओरन बोलेंगे। इस तरह अगर आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स को बुलाती है तो वो कैसे बुलाएगी, आपके वालिद को आबोनिम, वालदा को ओमोनिम, इस तरह बुलाएगी। और जो दामाद होता है उसको कोरे में सावी बोलते हैं, सावी। सावी जब वो पुकारते हैं तो वो सोबांग कहते हैं, सोबांगनिम। इस तरह वाइफ आपके बड़े भाई को जो है बुलाएगी तो आजू पोनिम, आजू पोनिम। और उसके आपके छोटे भाई को बुलाएगी तो उसको बोलेगी थोरियोनिम, अगर शादी नहीं हुई तो। थोरियोनिम, अगर शादी हुई है तो उसका नाम है सोबांगनिम। इस तरह अगर आप वो आपकी बड़ी बहन को बुलाती है, आपकी वाइफ, तो उसको बोलेगी ह्योंगनिम। और अगर आपकी छोटी बहन को बुलाएगी तो उसको बोलेगी आगाशी। इसी तरह अगर आप अपनी वाइफ के बड़े भाई भाई को बुलाते हैं तो उसको आप बोलेंगे ह्योंगनिम। और छोटे भाई को जब बुलाएंगे तो उसको बोलेंगे छोनाम। इसी तरह अगर आप अपने वाइफ की बड़ी बहन को बुलाएंगे तो उसको बोलेंगे आप छोह्योंग। और छोटी बहन को बुलाएंगे तो उसको आप बोलेंगे छोजे। और उसके बाद जो है छोन के बारे में आपको बताया कि छोन जो है रिलेशन को साबित करता है, मतलब कनेक्शन को साबित करता है फैमिली स्कीम। तो जो मियाँ बीवी है उनके दरमियान में छोन नहीं होता, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब बच्चों के दरमियान में छोन होता है, वो लिंग जो होता है वो इर्छन होता है, बच्चों का आपस में वो इच्छन होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, पेरेंट्स से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो ई कंसिडर किया जाता है। ये वन और इस तरह के ये ई, तो आपस में ये ई है। इस तरह जो उनकी फैमिलीज हैं, जो मतलब आपके जो है, मतलब बच्चे के लिए मामू और चाचू जो है वो समछन, वे समछन हो गया, वे जो है हमेशा वो वालदा की साइड पे लगता है वे, और वालिद की साइड पे सिर्फ वे के अलावा समछन, इधर वे समछन, इस तरह कहा जा सकते हैं। नॉर्मली जो है इसमें आप, अगर ये चीज़ आप याद करें तो होपफुली जो है आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इस चैप्टर में इतनी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। और इसका जो, इस बुक का जो है अगला चैप्टर है वो है हनु के इल्थो, जो इनकी लाइफ स्टाइल है, उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन है कि लाइफ स्टाइल कैसे गुजारते हैं, तो मतलब एक दिन जो है ये कैसे गुजारते हैं, उसके बारे में जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आजकल तो है ये कोरोना की वजह से घर में गुजार रहे हैं, लेकिन जो बुक में जो गिवन है उसके बारे में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बताऊँगा। साहिब इल का जो है चैप्टर 3 जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। होप जो है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो, और उम्मीद रखता हूँ कि आप जो हनुक साहब इहे की जो बुक है, आप जब कोर्स है उसको आप फर्स्ट टाइम में कवर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं जो है करी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना के अपलोड करूँगा। और मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो होगा बिगिनर्स के लिए, तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं बिगिनर्स के लिए जो है वो सीखना चाहते हैं, तो मैं साइड बाय साइड जो है मैं दो वीडियोस अपलोड करूंगा, एक बिगिनर्स के लिए कि उनको भी फायदा हो, दूसरा जो लेवल 5 है, जो ये मैंने कोर्स शुरू किया उसको मैं दरमियान में नहीं रोक सकता, इसको मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। तो साथ साथ में जो है मैं दोनों इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, दोनों करता रहूंगा, जो बिगिनर है उनको भी फायदा हो और जो लेवल 5 वाले हैं उनको भी फायदा हो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा लेवल 1 से लेकर लेवल 5 जितने भी कोर्स हैं उसको कवर करूँ, EPS का सारा कोर्स कवर करूँ, उसके बाद जो है जनरल कोरियन लैंग्वेज बिगिनर से स्टार्ट करूंगा, इंटरमीडिएट और एडवांस, इंशाल्लाह ये मेरा टारगेट है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो विद इन 1 ईयर जो है मैं सारे कोर्स को कवर करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। मैंने जो है अपनी तालीम पूरी कर ली है, और अब जो है मैं अपना इल्म जो है मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। होप दिस वीडियोज़ हेल्प यू लॉट।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।